बनाईया। पहला तो आप सब तो वड्डी मार वजी जे आप गल करिए देश प्रताप कैरों की, लोगों तो वोटा लैके झूठ बोल के सरकार बना के पूरे 5 साल चंडीगढ़ बह जाना, फिर चोन जाबता लगना, इतने आके मोढ़े ते हाथ फेर देना पिंड दे आगुआं दा, ते उन्होंने लोगों फिर लारे वादे करके वोटा लै लैनिया, 5 साल फिर लोगों चंडीगढ़ के चक्कर लवाने। भावें कोई वड्डे परिवार चो भावें कोई 50 किलियां का मालक हरेक नूं उत्थे बोर्ड थले कंध ते बिठाया जांदा सी, किसी का कोई काम ना करना। देश प्रताप एक इहो जिहा सुस्त आगू आ जिन्हें पट्टी हल्के बातों बत्तर लात करते, ते ताकत ताकत जिनी है देश प्रताप कैरों कोल सी। वीरो मुख्यमंत्री का पोतरा, मुख्यमंत्री का जवाई, एक मुख्यमंत्री नूं पूरे पंजाब का पूरे सूबे का फिक्र हुंदा। आदेश प्रताप कैरों नूं कल्ला अपने हल्के का फिक्र सी, ते हल्के का भी कुछ नहीं सवारिया। जे चाहुंदा चाहुंदा ते पट्टी हल्के दीआं गलियां नालियां सोने दीआं बन सकदियां। जिन्ने ये पैसे लिआउंदा रिहा 31,000 करोड़ का, इन्हें कल्ले ने घटाला किया 31,000 करोड़ का, मैनूं लगता पूरे का पूरा जिला सारी जायदाद खरीदी जा सकती आ। ते जांदे जांदे पंजाब सिर करजा पा गए, वो करजा किहदे सिर आ, पंजाब सिर नहीं अपने सिर आ, सारिआं सिर आ। वीरो 3 लाख करोड़ रुपया करजा अपने पंजाब सिर आ, अज 3 करोड़ की आबादी अपने पंजाब की, 3 लाख करोड़ करजा, हर प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया करजा अपने सिर, जमदा बच्चा 1 लाख रुपया करजा लैके जमदा। तो जे साडे पंजाब कोल वाधू पैसा होवे इत्थे आपे सहूलतां मिलन। ते आ गल करिए मनप्रीत बादल की, पहला अकाली दल दे विच खजाना मंत्री रहा, हुण कांग्रेस दे विच खजाना मंत्री, ते इहदी इक्को ही गल रही कि खजाना खाली आ। जे खजाना खाली तो वीरो क्यों फिर ये पार्टियां बदल बदल के वार वार लोगों नूं लुट्टण दा काम करदे आ। ये घर बहन जे खजाना खाली, एक चंगी सरकार नूं मौका देण, आपे उह सरकार आवे ते अपने काम करे, जिवें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दे विच 2014 दे विच दिल्ली सरकार करजाई कीती शीला दीक्षित ने। केजरीवाल जी आए अज दिल्ली सूबा सरपलस आ, वाधू पैसा कोल, करजा भी लाता ते पैसा वाधू कोल, ते दिल्ली दे लोगों नूं सारियां सहूलतां भी मिल रहीआं। इत्थे लोगों दीआं सहूलतां वास्ते पैसे जरूर आउंदे आ पर लोगों तक पुजदे नहीं। वीरो ये उत्थों नालों 3 गुणा बजट वध बनदा इत्थे, पर हुंदा की आ जे 1 करोड़ रुपया पिंड वास्ते आवे ते 70 लाख रुपया इन्हां दे MLA मंत्री मुख्यमंत्री दा कीसे जांदे आ। 30 लाख जिहड़ा लगना उहदे चों वी इन्हां दे अफसरां ने खा जाणे आ। फिर उहो जिहा ही अपना विकास होना, उहो जिहियां ही सहूलतां मिलणियां। मैं गल करां किवें उह जिहड़ा सिस्टम सही कीता अरविंद केजरीवाल ने। वीरो मैं उदाहरण दे तौर ते एक गल करूँगा, होया सारे दा सारा जिहड़ा सिस्टम बदलिया केजरीवाल जी ने, सारा इमानदारी नाल एक तरफा काम किया, तो फिर ही उत्थे सिस्टम चेंज होया। जदों 2014 दे विच उत्थे कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली दे विच शीला दीक्षित दी, ते बड़े टेंडर होए सन, एक टेंडर जिहदा 600 करोड़ रुपया टेंडर होया वह वीरो वह भी रद्द किया गया, उस तरह सारे दे सारे टेंडर रद्द करते। उस पुल नू अपने एक MLA की ड्यूटी लाई गई कि इस पुल नू तुसा बनाउणा, उत्थे 500-700 मिस्त्री ते 500-700 मजदूर ला के चंगे ढंग का मटीरियल वरत्या गया, चंगा सीमेंट सरिया वरत्या गया, ते वीरो जिहड़ा 600 करोड़ का पुल सी 250 करोड़ तैयार हो गया, 350 करोड़ रुपया बचिया। वह 350 करोड़ कित्थे जाना ही, वह इन्हों के MLA मंत्रियों मुख्यमंत्री का किसा जाना जिहड़ा केजरीवाल साहब ने बंद करता, जिहड़े पैसे दीआं उत्थे दिल्ली च लोगों नूं सहूलतां मिल रहीआं। वीरो केजरीवाल साहब एक ईमानदार व्यक्ति ने, जो पैसे इकट्ठे करना चाहते, इनकम टैक्स विभाग के दोवें जी कमिश्नर सन, उन्हां नौकरी छड के लोगों की सेवा करन दा प्रण लिया। वो चाहते ने कि राजनीति दे विच जिहड़े लोटू टोले बैठे आ इन्हां नूं पासे किया जाए, तो लोगों नूं बांदियां मुढ़लियां सहूलतां दित्तियां जाण। वीरो सब तो मुढ़ली लोड़ हुंदी अपनी इलाज, जिहड़ा इलाज आपां सरकारी हॉस्पिटलां 'च जाने ना तो कोई दवाई मिलती आ, ना कोई उत्थे डाक्टर हैगा आ, ना कोई एक्सरे मशीन, ना अल्ट्रासाउंड मशीन, सारा इलाज वो आपां नूं प्राइवेट हॉस्पिटलां 'चों करवाउणा पैंदा। ते आपां आम ही वेखदे आ गरीब परिवारां दे विच जदों कोई जीव बीमार हो जाए, वड्डा रोग आ जाए, जिवें हार्ट अटैक, अधरंग का दौरा, किडनिया खराब हो जाए, गुरदे खराब हो जाए, तो जदों आपां मरीज़ नूं प्राइवेट हॉस्पिटल लैके जाने,
अपने कई रहा घर विक जाते घर गहने पै जाते तो कई रहा जीव नहीं अपना बचता वीरो जीव भी गया तो घर भी गया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की इको एक सरकार आ भावें एक लख रुपया लगे तो भावें एक करोड़ सारे का सारा इलाज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वालों कराया जाता वीरो घर भी नहीं विकन दिता जाता मरीज न भी बचाया जाता इतने दोवें काम हो जाते उत्थे डॉक्टर कदर करते बंदे की उन्होंने सारे आके बंदे बचाना आ लॉकडाउन रहा तो जिन्हें लोग इतने प्राइवेट हॉस्पिटलों के गए मैनू नहीं लगता कि कोई उतों बच के आया होगा। डॉक्टर ने करोना के नाते जिहड़ा 3 लाख रुपया WHO कोई संस्था वर्ल्ड की उहदे वल्लों पैसे मिलते हैं पंजाब सरकार ते सेंटर सरकार नूं जिहड़ा भी व्यक्ति हॉस्पिटल चल गया इन्ना पता नहीं टीका लाता जां भुखना ही मर गया किसी की केयर नहीं की ताडे भी पिंडां जिवें ही होया होगा जिहड़ा हॉस्पिटल चल गया उहदे परिवारक मैंबरां नूं भी नहीं मिलन दिता गया उहनूं अंदर ताड़ के भुखना ही मार दिता गया। तो वीरो कोई बंदे की कदर नहीं इत्थे इत्थे सिर्फ ये पैसे नूं इह मेन अहमियत दिंदे आ जिहड़े डॉक्टर नूं आपां कहिंदे हुंने सां कि भगवान का दूजा रूप डॉक्टर आ दूजा रूप आपां डॉक्टर नूं रब मानदे सां उहनूं भी इन्हां MLA ते मंत्रियों ने करप्ट करता क्यों हो गए वह करप्ट वीरो उन्होंने भी महीने का 50,000 रुपया इन्हों महीना मत्था टेकना पैंदा MLA तो जदों वह 50,000 रुपया देंगे वह कि निकलना अपने आम लोगों चो निकलना SHO DSP तहसीलदार पटवारी कानोगो जे आप गल करिए निके तो निके अधिकारी तो भी ये महीना लेंदे आ ते तां ही आप जो सरकारी दफ्तर के जाने अपने पैसे तो बिना काम नहीं होंगे जदों एक MLA महीना लूगा तो वह महीना अपने विचों ही कढ के वीरो MLA नूं जाना किसी SHO DSP ने अपने घरों कणक वढ के जां अपनी तनखाह तो MLA नूं महीना नहीं देना MLA नूं महीना उहने अपने तो लै के देना। तो तुसां सुनिया होना अज तो कोई साल कु पहला एक आडियो वायरल हुई सी हरीके वाले SHO नूं हरमिंदर गिल दौके मारदा पिया कि तैनू नहीं पता एक इत्थे MLA भी हैगा तू उहनूं सत श्री अकाल बुलाउणी वीरो सत श्री अकाल आपदे महीने नूं कह रहा सी आपदे हफ्ते नूं कह रहा सी कि तू मेरे नाल महीना नहीं सैट किया तो जदों ना झुकिया तो वीरो नूं लैण हाजर कर दिता गया क्योंकि मुख्यमंत्री तो लैके DGP SSP सब बंदे महीनों के भुखे ने जिन्हों महीना नहीं मिलता तो उस अफसर नूं खुडे लैण ला दिता जांदा ते ताडे नाल वादा ताडे सरकारी दफ्तरां च पटवारी बिजली दफ्तर पुलिस थाने तहसीलदार SDM पटवारी तो लैके हरेक जगह पर फ्री काम होणगे जदों MLA महीने लैणों हट के तो वीरो ताडे तो भी पैसे लैने अफसर बंद कर देणगे जिन्ना चिर MLA महीने लैणों ना हटे तो वीरो कोई काम नहीं बंद होना। गल करिए नशे की जिहड़ी सरकार कांग्रेस की बनी 2017 दे विच ते वड्डी जिहड़ी झूठ बोले सब तो वड्डा झूठ जिहड़ा 4 हफ्तिआं च नशा बंद करन दा हीरोइन समैक बंद करन दा वीरो लोकां ने इतबार किया क्योंकि साडा पंजाब रुड़दा जांदा सी 2017 दे विच अकाली दल की सरकार जदों गई 10 साल अकाली दल की सरकार रही हालात बातों बदतर होए 17 च कांग्रेस की सरकार आई हालात बदतर तो बदतर की हाल होया पंजाब साडा बर्बादी के कंढे ते ना खड़ा करता अज साडा पंजाब रुड़दा पंजाब आ वीरो आपां डरदे अपने बच्चों कनेडा अमेरिका भेजी जाने क्योंकि इत्थे नशे की जिहड़ी आ ओह गढ़ बन चुका आपां डरदे आ कि किते साडा बच्चा गलत राय ना पै जे गलत संगत च ना पै जे ते वीरो सच्चे भी जे तुसीं जे ऐरकां बदलाना आ ते मैनूं नहीं लगता इत्थे कोई नौजवान रहन दूगा आपदा माँ प्यो ने किसी नौजवान नूं इत्थे नहीं रहन देना सारयां दी इक्को सोच होनी कि इहनूं विदेश भेज दईए क्योंकि समां माड़ा चलदा पिया जे आपां अपने बच्चे नूं इत्थे आपां राखी नहीं कर सकते वीरो दुध ते बुध फुटन लग्गिआं कोई टाइम नहीं लगता ते जिहड़ी चीज़ पहला अपने शहरां च आई फिर अपने महल्लिआं च आई अपनी गली च आई अपने गवांढ आई तो वीरो पता नहीं लगना कदों अपने घर वड़ जाणी आ जे इस चीज़ ने वड्डे पद्धर ते नुकसान किया किन्ने मावां दे पुत भैणां दे भरा धीआं दे सुहाग गए ते ताडे नाल वादा साडी सरकार आउण ते आम आदमी पार्टी की सरकार ताडी सरकार बनते हीरोइन समैक का नशा पहल के आधार पर बंद कराया जाएगा जिहड़ी रिश्वतखोरी वह बंद करावांगे ते मैं ताडे नाल वादा तां कीता क्योंकि एक मौजूदा सरकार का MLA होवे वह अपने हल्के चो नशा बंद करा सकता उहदी जिउंदी जागदी तस्वीर वीरो जदों हरमिंदर सिंह गिल पिद्दी तो गिणती हो के जित के गया तो पट्टी गांधी साचे ने स्पीच दिती तो यह गल कही कि जे मेरा कोई आगू नशे वाले नूं थाने तो छडाउंदा पाया गया
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਬਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ MLA ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MLA ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਵੀਰੋ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ MLA ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਸਮੈਕ ਦਾ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੜੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਤਾ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਦਾ PA ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲਾ ਬਲੇਰ ਵਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਇਨ ਸਮੈਕ ਵਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ? ਵੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਪਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਵੋਟ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੱਪ ਦਈਏ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਤੇ। ਵੀਰੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ 1950 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ। 6 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ, ਅਤੇ 1950 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਊਗੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰੋ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫੇਟ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਉ ਵੋਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਜੇ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ, ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿਰੋਂ 3-3 ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਆਗੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਹੁਣ 2022 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰੋਪਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰੋਪਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਆਪੇ, ਅਤੇ ਬਣ ਜਾ MLA। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ MLA ਬਣੇ।
जे अज इनू वोटां दी लोड़ है तो जिदन अज तो दो साल तीन साल पहला इन्हें सरपंच बनाया उदन सानू भी उस नुमाइंदे की लोड़ थी जिहड़ा तुहाडा चुनिया होया नुमाइंदा आउंदा तुहाडी कदर हुंदी वीरो जे वोट पाउंदे भावें ना पाउंदे उस सरपंच नूं उह सरपंच बंदा तुहाडी कदर करदा उहनूं सार हुंदी कि ऐरकां वोट नहीं पाई शायद अगलियां पा देण तुहाडे काम करदा तुहाडे विच रहिंदा तुहाडे दुख तकलीफां हल करदा वीरो क्यों ना उहनां हल कीते क्योंकि उहनां नूं इह पता सी ऐरकां कांग्रेस दे सरोपे पै के सरपंच बन गया तो गह अकालियों के सरपंचों नूं भी आसा जाग पईआं कि गह अहीं सरोपे पै के बन जाणा तगड़े होवो सरपंच बनावांगे वोटां पै के वो बन गए सरपंच जिन्हां नूं तुसीं बनाओगे वो सरपंच बन गए इन्हां नूं धक्केशाही नहीं करांगे कि धक्के नाल सरपंच थोप दांगे तुहानूं बन गए सरपंच वोटां पै के बन गए जिन्हूं पब्लिक चाहूगी जिन्हूं पिंड दी संगत चाहूगी वह सरपंच बनूगा तो वीरो अपने सामने उदाहरण है जे रमिंदर गिल ने सरपंच धक्के ना बनाए तो ऐरकां लोगों ने भी रमिंदर गिल नूं अर्श तो फर्श ते बहा देना अहीं नहीं चाहते कि साडे ना भी उह चीज़ होवे अहीं चाहुंदे कि अहीं वार वार जितिए लम्मा समा लोगों के विच रहिए ते सेवादार बन के चलीए मैं हुण बेनती करदा कि तुसीं जिथे भी तुहाडे भैण भरा ने अंग साक ने रिश्तेदार ने सारिआं नूं बेनती करो कि ऐरकां आपां लालजीत भुल्लर नूं आम आदमी पार्टी नूं झाड़ू नूं वोटां पाउणियां वड्डी लीड ना जिता के विधानसभा दे विच भेजो ते वीरो मैं हल्के दे विच ही रहिंदा पिंडां दे विच ही रहिंदा 70-70% पिंड अपने नाल चल पे आ लोगों च बड़ा जोश आ अज वोटां पैण ते अज इन्हां दोवां आगूआं दीआं जमानतां जब्त हुंदीआं मैं बेनती करदा हरेक नूं बेनती करो कि ऐरकां आपां आम आदमी पार्टी की सरकार लैके आईए 75 साल हो गए आपां नूं झूठ बोल बोले सरकारां बनाईए ते वीरो किसे नूं कुछ नहीं दिता इन्हां इन्हां दे नाल जिहड़े चढ़े फिरदे आ 10-20 आगू जां उह अमीर होए ते जां इन्हां दीआं कोठियां वड्डियां होईआं इन्हां दीआं गड्डियां वड्डियां होईआं इन्हां दीआं जमीनां जायदादां वड्डियां होईआं आम लोग गरीब तों गरीब हुंदे रहे लोकां नाल धक्केशाही हुंदी रही किसे नाल कोई किसे नाल कहीए न्या होया किसे नाल कोई न्या नहीं होया वीरो जे कोई तगड़ा वा उहदी सुनवाई होई थाणे दे विच पैसे दे के होई ते जिन्ने किसे नूं कोई नहीं पैसा पुलिस अफसर नूं दित्ता MLA ने उहदे नाल धक्का कराया ते मैं बेनती करदा एक बार ऐरकां आपां निजाम बदलीए लोड़ भी आ सिस्टम चेंज करन दी सत श्री अकाल ते सब तों वड्डी गल जे गल करिए देश प्रताप की यह चंडीगढ़ रहिंदा ते रमिंदर गिल की गल करिए नाभे लागे का पिंड आ पट्टी हल्के च आया जितन तो पहला इलैक्शन दे विच